फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली सिविल सर्विस एंड दिस इज तन्वी पाहुजा। इन कंटिन्यूएशन टू आवर सीरीज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक इज माउंट बैटन प्लान। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू अ पॉइंट द एंड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज। ओके, दिस इज द लास्ट प्लान दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, दिस वॉज द लास्ट प्लान दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। नाउ लेट अस रिकॉल कि लास्ट लेक्चर में हमने कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पढ़ा था। तो कैबिनेट मिशन प्लान तो काफ़ी हद तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग आखिरी में दोनों मंजूर कर देते हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसी क्या सिचुएशन बनती है जो आखिरकार माउंट बैटन वॉइसरॉय जो वेवल को रिप्लेस करते हैं उन्हें अपना प्लान भारत में लेकर आना पड़ता है। तो देखते हैं, जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, पहले तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसको रिजेक्ट करते हैं, बट ग्रेजुअली दे बोथ एक्सेप्टेड द प्लान। ओके, उसके अंदर एक प्रोविजन होता है टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई जाती है। हालांकि मुस्लिम लीग के लीडर्स फर्स्ट मीटिंग को बॉयकॉट करते हैं, लेकिन बाद में वो उसको अटेंड करने लगते हैं, मीटिंग को अटेंड करने लगते हैं। लेकिन वो इस मीटिंग में अटेंड तो करते हैं पर कई बाधाएं डालते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के कामों को होने नहीं देते हैं। जब ये सिचुएशन वेवल माउंटबेटन देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान भी कई हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके, तो जब वेवल को रिप्लेस करते हैं माउंटबेटन, तो माउंटबेटन अपने प्लान के साथ इंडिया में आते हैं जो कि June 3, 1947 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब कभी कभी इस प्लान को जून प्लान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, माउंट बैटन प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 3rd of June 1947। नाउ लेट अस सी व्हाट वर द प्रोविजंस दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय माउंट बैटन। सबसे पहले तो माउंट बैटन बहुत ही भयानक सा प्रोविजन लेके आते हैं जिसका आज तक भी हम मुआवजा उठा रहे हैं, दैट इज़ फ्रीडम विद पार्टीशन। शुरू से हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे नेशनलिस्ट लीडर जिस चीज़ के लिए डर था उन्हें, जिस चीज़ से बच रहे थे कि हम पार्टीशन ना हो, ऐसा कोई सोल्यूशन आए जो भारत और पाकिस्तान अलग अलग ना हो, और माउंटबेटन उसी प्रोविजन को लेकर आते हैं कि हम आपको फ्रीडम तो देंगे लेकिन विद पार्टीशन। उन्हें जब समझ में आता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का कोई भी सोल्यूशन नहीं है अदर देन पार्टीशन, तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रीडम विद पार्टीशन। कई अदर भी प्रोविजंस रहते हैं उनके इस प्लान में, तो उन्हें भी देखते हुए चलते हैं। वो कहते हैं कि वी विल इमीडिएटली ट्रांसफर दी पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब कि अभी शुरुआती तौर पर हम डोमिनियन स्टेटस भी रखेंगे। ओके, और लेटर ऑन जैसे ही आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना लेते हैं, हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे पावर्स। ओके, ट्रांसफर ऑफ पावर्स तो इमीडिएटली ही होना वाला है, लेकिन डोमिनियन स्टेटस के हिसाब से, ठीक है। पार्टीशन के हिसाब से दो डोमिनियन बनेंगे, एक पाकिस्तान का, एक भारत का, और दोनों ही डोमिनियंस अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगी टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वॉज द प्लान इंट्रोड्यूस्ड बाय माउंटबेटन। इसके अलावा वो कहते हैं कि वोटिंग विल बी डन इन पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल का एक ऐसा रीजन था जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला रीजन था, पर वहाँ पर कुछ पॉपुलेशन हिंदू की भी थी। ओके, तो वहाँ पर हम वोटिंग करेंगे कम्युनल इलेक्टोरेट के हिसाब से। वोटिंग की जाएगी कम्युनल इलेक्टोरेट के हिसाब से कि उन्हें किसका हिस्सा बनना है, क्या वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या पाकिस्तान का। इसके अलावा सिंध का खुद का डिसीजन रहेगा कि वो किसका पार्ट बनना चाहता है, सिंध का। ओके, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस जो था वहाँ पर रेफरेंडम किया जाएगा। रेफरेंडम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें सिटीजन्स जो हैं वहाँ के वो खुद वोटिंग करके डिसाइड करते हैं कि हमें किसका पार्ट बनना है। वोटिंग में जो भी मेजॉरिटी होती है वो डिसीजन एक्सेप्ट किया जाता है, एंड दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ रेफरेंडम विच हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। इसके अलावा जो बचे हुए प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास चॉइस रहती है दैट दे विल जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। इट वॉज देयर चॉइस। ओके,
इसके बाद वो कहते हैं कि हम आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर देंगे 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ से आई डेट, इटली के स्टेटमेंट की डेट जो थी उसकी जगह नई डेट हमें फ्रीडम की देखने को मिली है 15 अगस्त 1947। इसके अलावा एक और बात कहते हैं माउंटबेटन कि देयर विल बी अ सेटिंग अप ऑफ बाउंड्री कमीशन, एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी। ये बाउंड्री कमीशन का नाम था रेडक्लिफ कमीशन। ओके, रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति इसके चेयरमैन थे और रेडक्लिफ लाइन भी, काफ़ी हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, हालांकि इस लाइन को एक्सेप्ट करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। ओके, तो दीज ऑल वर दी प्रोविजंस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माउंटबेटन। ओके, नाउ व्हाई कांग्रेस एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान। फाइनली ये लास्ट प्लान रहता है जो भारत के अंदर आया है, तो ऑब्वियसली बात है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के लिए तो एक विन विन टाइप की सिचुएशन थी, उनको पार्टीशन जो वो इतने लंबे समय से मांग कर रहे थे वो मिल गया था माउंटबेटन प्लान से। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स तो कभी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, तो व्हाट वाज द रीज़न दैट दे एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान। सबसे पहली बात तो दैट इट विल एंश्योर अ पीसफुल एंड क्विक ट्रांसफ़र ऑफ पावर। उन्हें माउंटबेटन प्लान से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नज़र आई कि यार माउंटबेटन हमें बहुत इंश्योर कर रहे हैं कि हम क्विकली और पीसफुल तरीके से पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एक चीज़ नज़रिया देखा किसने, कांग्रेस ने। इम्पॉर्टेंट फॉर कांग्रेस टू असेंबल अथॉरिटीज़ टू चेक एक्सप्लोजिव सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो प्लान था वो काफ़ी हद तक एक्सप्लोजिव सिचुएशन जो भारत में चल रही थी वो संभालने के लायक प्लान था। तो कांग्रेस ने सोचा था कि ये जो सिचुएशन है हम अथॉरिटी को गेन करके इस सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल कोलैप्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मुस्लिम लीग के लीडर्स हिंडर कर रहे थे उसके प्रोसीजर को, तो देयर विल बी वर्चुअल कोलैप्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। धीरे धीरे इंटरिम गवर्नमेंट ख़त्म होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और एक फाइनल गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी एंड देयर विल बी कंटिन्यूटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी। ठीक है, यहाँ पर हमको ये इंश्योरिटी दिलाई गई कि देयर विल बी अ कंटिन्यूटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी एंड दिस ऑल वाज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय कांग्रेस। और ये सारे पॉइंट्स काफ़ी थे कि कांग्रेस जो है वो माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करें। इसके अलावा जब माउंटबेटन प्लान घोषित किया गया और ये कहा गया कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता जब तक इंटरिम गवर्नमेंट चलेगी, डोमिनियन स्टेटस रहेगा, मतलब वॉइसरॉय रूल करेगा और इमीडिएटली पावर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जैसे ही आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है एक एक्ट पास होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, एक एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट में कहा गया था, इस एक्ट को सबसे पहले तो रॉयल एसेंट यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साइन या क्यून के साइन होते हैं June 18, 1947 को। ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है भारत में 15 अगस्त 1947 को, यानी कि ये वो तारीख थी जब हमें आज़ादी मिल जाती है, पावर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट थी क्योंकि अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हुआ था, तो ये पावर जो है इंटरिम गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए जाते हैं ऑन 15 अगस्त 1947। नाउ व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, लेट अस सी दैट। इट क्रिएटेड टू डोमिनियन स्टेट, दो डोमिनियन राज्य बनाता है ये, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो फाइनली जो पार्टीशन की थ्योरी थी वो लागू हो गई, दो राज्य अलग अलग हमें देखने को मिले और इसका जो है लिखा हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में हमने देखा। जैसे ही दो कंट्री बन जाती हैं वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की जाती है, तो जब तक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल के रूप में पोस्ट हासिल करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान का कौन संभालते हैं, जिन्ना। जिस तरीके से माउंटबेटन इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं वैसे ही जिन्ना जो है वो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सरसाइज पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टिल अ न्यू
कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड. उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने बनाई है जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, ये तब तक पावर अपने एक्सरसाइज कर पाएगी जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर लिया जाता. ओके, इसी बीच हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखनी है कि यहाँ पर हमने देखा कि माउंटबेटन प्लान में बहुत सारी बातें ऐसी कही थी लाइक रेफरेंडम, चॉइस, प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, कि प्रिंसली स्टेट्स को राइट दिया गया है कि दे कैन जॉइन आइदर पाकिस्तान और इंडिया. तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिलेगा. ओके, आपने प्रिंसली स्टेट्स को कह दिया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा, तो क्या प्रिंसली स्टेट अपने मैटर को इतनी इजीली सॉल्व करने वाला था? जी नहीं, हमें भारत को भारत बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ी. ओके, जो आज आप इंडिया का मैप देखते हैं, जो यूनिटी देखते हैं, जो एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है एज अ मैप ऑफ इंडिया, इज़ द बॉर्न चाइल्ड या इज़ द गिफ्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी. ओके, स्टेट डिपार्टमेंट के ये हेड होते हैं वल्लभ भाई पटेल. इन्होंने काफ़ी हद तक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में बहुत बड़ा कदम रखा है. एक बहुत बड़ा चैलेंज था सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके रखना. ठीक है, सारे स्टेट्स एक्सेप्ट कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. सारे स्टेट्स जो हैं वो भारत में आने के लिए मंजूरी दे देते हैं, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये बिल्कुल मंजूरी नहीं देते कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे. नाउ एक्नॉलेजिंग सेंट्रल अथॉरिटी ओवर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमारे प्रिंसली स्टेट की डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन अब कौन संभालेगा? एक सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी. तो वो रेडी नहीं होते कि इन तीनों मुद्दों को हम सेंटर को देंगे. ये रीजंस होता है कि ये तीनों स्टेट रिजेक्टेड टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एट दैट टाइम, जिसे काफ़ी हद तक सॉल्व करते हैं वल्लभ भाई पटेल. पहले फेज में हमने देखा कि तीन स्टेट्स ने नामंजूरी दी भारत में जुड़ने की. फिर फेज टू में हमने देखा कि ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस. वाइल नेवर प्रोविंस लाइक कैथवार यूनियन, विंध्यान एंड मध्य प्रदेश एक्सेट्रा अलॉन्ग विथ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजेस, इनको भी जोड़ना काफ़ी हद तक डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन फाइनली सक्सेसफुल होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल. अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से इन्हें मनाया जाता है और फाइनली आज जो आप मैप देख रहे हैं वो इंडिया का मैप आपको देखने को मिलता है, जिसमें कश्मीर का मुद्दा कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है, कुछ समय पहले ही सॉरी ख़त्म किया गया है. तो उसके बारे में हम आपके लिए अलग लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे जब हम स्पेशली कश्मीर के बारे में बात करेंगे. ओके, तो इस तरीके से सारे प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ लिया जाता है और आज का जो मैप है वो यूनिफाइड मैप हमें देखने को मिलता है. तो देखिए, रैपिड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज पटेल्स ग्रेट अचीवमेंट. वल्लभ भाई पटेल की ग्रेट अचीवमेंट थी कि हमको पॉलिटिकली यूनिफाइड नेशन आज देखने को मिलता है. अब वापस बात हो रही है कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया माउंटबेटन प्लान, ठीक है, क्योंकि उसमें कई सारी अच्छी बातें थी लाइक इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स. ओके, पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स. लेकिन कांग्रेस ने पार्टीशन कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये बात थोड़ी सी पचने की नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि भारत दो हिस्सों में बटे, भारत कम्युनल प्रॉब्लम्स की वजह से दो हिस्सों में बटे. लेकिन कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसको देखते हैं कि क्या रीजंस रहते हैं जो कांग्रेस पार्टीशन को एक्सेप्ट करती है. लॉन्ग टर्म फेलियर टू ड्रॉ मुस्लिम मासेस इनटू नेशनल मूवमेंट. कांग्रेस ने कई समय से, जब स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ, ठीक है, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, जब हमने खिलाफत इशू को रेज किया, तो लंबे समय से कांग्रेस का प्रयास ये था कि मुस्लिम्स को अपनी मासेस में हम इन्वॉल्व करें, नेशनल मूवमेंट में हम इन्वॉल्व करें. काफ़ी हद तक हम इन्वॉल्व भी कर चुके थे, पर जो कम्युनल प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व लेने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसमें एक आग का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया था शुरू में. जो उनने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अपनाई थी वो मन में भेदभाव बैठा देती है मुस्लिम और हिंदूज के. उसके बाद वो नहीं चाहते थे कि इसी तरीके से ज़िंदगी भर कम्युनल वायलेंस या आने वाले समय में भी कम्युनल वायलेंस कंट्री को देखने को मिले. ठीक है, तो
एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा था, आइदर पार्टीशन और सुसाइड। जी पंत का ये स्टेटमेंट है, उस समय उनको ऐसी सिचुएशन लग रही थी कि या तो पार्टीशन हो जाए या तो हम लीडर्स जो है वो सुसाइड कर लें। तो सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी। इसलिए कांग्रेस ने एक एंड में क्या एक्सेप्ट कर लिया कि चलो पार्टीशन ही कर लो। अब गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, ही वॉज अगेंस्ट पार्टीशन। ठीक है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है पार्टीशन के ऊपर हम देखते हैं। कांग्रेस ने जब पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, ही फेल्ट हेल्पलेस, उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट बिकॉज पीपल वॉन्टेड, उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि जनता ये चाहती है, लोग ये चाहते हैं, हिंदूज ये चाहते हैं, मुस्लिम्स ये चाहते हैं। इसलिए गांधी जी फाइनली पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ हमारा ख़त्म होती है मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़। हमारा जो लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था माउंटबेटन प्लान, जो पार्टीशन को इंट्रोड्यूस करता है और भारत का विभाजन हम लोगों ने आज देख लिया। ओके, तो आप लोगों को अगर मेरी लेक्चर्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अभी भी बचे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे, लाइक एजुकेशन सिस्टम, पुलिस सिस्टम, प्रेस कैसे डेवलप हुई इंडिया में, ठीक है, उसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके, अभी कुछ लेक्चर्स और बचे हैं जो चैनल पे डाले जाएंगे, इसके लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।